अच्छा तो भाईजान आपकी मैंने जो है वो सुजुकी मेहरान मंगवाई हुई है, तो आज मेरा बंदा जो है वो ले आएगा। और दूसरा उशी भाई, आपने सुजुकी बोलान की बात की थी, कैरी डब्बा ना, तो वो यार थोड़ा अभी शिपमेंट में आया नहीं है, तो कल नहीं तो परसों तक वो भी आ जाएगा, अगर आप मुझे टाइम दे दें 2 दिन का तो। भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ उशी भाई, बस आप 1-2 दिन वेट कर लें तो आपकी भी गाड़ी मंगवा के आपको मैं सेल आउट कर दूँगा। और देखें साकिब आ ही गया है, बस इसी को मैंने भेजना था आज, आपकी गाड़ियाँ इसी से ही मंगवा लूँगा। हाँ यार साकिब, तेरा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। तो यही हैं वो 2 डीलर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी गाड़ियों के लिए, एक को कैरी डब्बा चाहिए और दूसरे को सुजुकी मेहरान चाहिए। सुजुकी मेहरान तो मैंने तुझे बोला था ना, एक शिपमेंट है वो लेकर आनी है, तो आज शाम को वो आ जाएगी एयरपोर्ट पर, वो तुम दोनों जाना जिम्मी और साकिब और ले आना। इसके अलावा जो कैरी डब है सुजुकी बोलान, वो परसों तक वो बोल रहा था कि वो डिलीवर कर देगा, तो उसको भी तू साकिब परसों ले आई, ठीक है? वो उशी भाई को चाहिए, ये बैठी मैं तेरे पास। ओ छोड़ो मांगू भाई, मैं समझ गया। आज शाम को मैं और जिमी जाके मेहरान ले आते हैं, तो फिर मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है? और बाकी जो कैरी डब है वो परसों ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है बस। ओके, तो मांगू भाई मैंने जाना था जिमी के साथ बाहर थोड़ा मार्केट शोरूम का, थोड़ा सामान लाना है छोटा मोटा। क्या सामान लाना है? ओ मांगू भाई, वो छोटा मोटा बस सामान है, मैं आके आपको बताता हूँ ना। अच्छा ठीक है, 4 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि वो डिलीवर भी हुई होगी शिपमेंट, वो भी वहाँ से पिक करनी पड़ेगी ना। ओ मगो भाई, मैं समझ गया, आ जाऊँगा आ जाऊँगा। चलो आओ जिमी। हाँ साकी भाई, चलो। साकी भाई, अर्शद अंकल से आपने बात कर ली थी गाड़ी की? हाँ मैंने उससे बात कर ली थी, जाते हैं ना अभी उसके पास ही, उससे गाड़ी उठा लेते हैं। लेकिन कैसे जाएंगे, गाड़ी नहीं हमारे पास साकी भाई। गाड़ी और टैक्सी करानी पड़ेगी ना, क्या करें? तो दूसरे टैक्सी में जाएंगे और वहाँ से अपनी सिविक में आ जाएंगे। अभी बस टैक्सी आ जाए ना, वही पकड़ते हैं। रुको रुको भाईजान, भाईजान रुकें भाईजान, वो सेटेलाइट टाउन जाना था। हाँ ठीक है, छोड़ देता हूँ। हाँ चलो आ जाओ जिमी, चलो भाईजान। साकी भाई, आपने अर्शद अंकल से बात कर ली थी ना, गाड़ी उनके पास है तो सही। ओ मैंने उनको फ़ोन पे बता दिया था यार हमें चाहिए, तो वो कह रहे थे कि आ जाना तो मैं दे दूंगा। हाँ ना साकी भाई, वो वाली चाहिए जो हमने पहले ली थी ना, वही ब्लैक कलर में। हाँ जाके देखते हैं ना उनके पास होगी, चेक कर लेते हैं। उनके पास गाड़ियों की कमी है क्या? और एक से एक गाड़ी होती है उनके पास, एक जाती है दूसरी आती है, तुम्हें तो पता है यार जी, मैं उस दिन देखा था ना तुमने। हाँ ना साकी भाई, मालूम है मुझे। वैसे जी मैं यार माँ भाई बहुत खुश हो जाएंगे देखना, वो तो शौक हो जाएंगे यार, उसके पास गाड़ी कैसे आ गई वो तो समझेंगे कि चोरी की गाड़ी है। हाँ साकी भाई, मुझे भी यही लग रहा है, वो समझेंगे हम किसी से गाड़ी चुरा के लाए हैं, उनको यकीन ही नहीं आएगा उनके लिए हमने गाड़ी ली है। और ये ऊपर से तुम पे वो कैसे यकीन करेंगे यार जिमी, तुम्हारे पास तो टका भी नहीं है, उनको तो पता है, ऊपर से तुम्हारे करतूत भी ऐसे हैं। 1 महीने का टाइम नहीं, उनको तो तुम्हें 1 साल का टाइम देना चाहिए था। ये तो तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें आइडिया दिया उसको किडनैप करने को, नहीं तो वो गाड़ी तुम अपने बाप को अगले 10 सालों में भी वापस ना कर सकते। बस 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 साकी भाई बस, ठीक है मानता हूँ आपका आइडिया था, अच्छा आइडिया था, लेकिन पैसों वाला आइडिया तो मेरा था ना, वो तो आपने नहीं बताया था, वो तो मैंने आपको बोला था उसके बाप से पैसे मांगेंगे, आपने तो बस किडनैप करने का बोला था। ओहो हाँ हाँ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पैसों वाला आइडिया तुम्हारा था, ठीक है मान लेता हूँ मान लेता हूँ। आप ज़्यादा शौके मत हो, ये सब सिर्फ मैंने पापा के लिए की है, पापा बहुत नाराज़ है मेरे से बस इस वजह से। बस बस भाईजान साइड पे रोक दें, साइड पे रोक दें भाईजान, बस इधर इधर बस भाईजान, बस बहुत शुक्रिया भाईजान। कितने पैसे? जी 500 दे दें। अरे भाईजान क्या बात करे, कानों को आग लगाओ, तोबा तो बस, तो खबर 10 मिनट का रास्ता था, 500 रुपया ले रहे हो जिमी यार, 250 दो इनको मेरे पास स्कूटी कौन ही नहीं है। यार जिमी, हद है यार। अच्छा भाईजान ये लो यार 300 पकड़ो, यार भाईजान बस बस ठीक है ठीक है, आओ जिमी चलो आ जाओ।
हाँ चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ साकिब भाई। गाड़ी दोबारा हमने लेने लगी है ना, वो भी सिविक एक्स 2020। और जा के देखते हैं ना, और दुआ करो उनके पास वही वाली गाड़ी हो। हाँ हाँ वही होगी वही होगी। मेरा तो दिल है लैंड क्रूजर ले लूँ, देखो नज़र आ रही है मुझे दूर से। लैंड क्रूजर वाली अभी औकात नहीं है हमारी जिमी। हाँ ये तो है। भाई जान अरशद भाई किधर है? जी जी थोड़ा वेट करो, अभी आते हैं वो। ओहो उनको बोलो और साकिब आया, उनसे बात कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, वेट करो थोड़ा। ओहो अभी थोड़ी वेट करते हैं। लगता माइकल और साकिब आ गए हैं, जाके देखता हूँ। कह तो रहे थे दोबारा उनको गाड़ी चाहिए, वो देखो बाहर खड़े हैं। आओ आओ साकिब और जिमी, कैसे हो यार तुम? ठीक हो? माइकल नहीं आया यार? वो अरशद भाई हो, माइकल भाई थोड़े बिजी थे ना। अच्छा चलो आ जाओ अंदर, मैं तुमको गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। तुमने होंडा सिविक की बोली थी ना 2020? जी जी अरशद भाई। हाँ तो मेरे पास दोनों अपग्रेड हैं, अनटच नहीं है मेरे पास साकिब। अच्छा अरशद भाई दिखाएं तो सही, हम देख लेते हैं। हाँ इधर आओ, मैं तुमको ये दिखा देता हूँ। पहले ये देखो, मॉडिफाइड गाड़ी है, सिल्वर कलर में है, ठीक है। और इसका फ्रंट भी तुम देख सकते हो, और जो व्हील है ना इसके साकिब, कार्बन एक्स व्हील है इसके साकिब। और पीछे से इसका ये स्पॉइलर भी देख लो, स्पॉइलर लगा हुआ है। और जो एग्जास्ट है वो भी अपग्रेड है, प्लस जो इसका इंजन है ना वो भी अपग्रेडेड है। अच्छा तो अरशद भाई ये कितने की देंगे गाड़ी? ये साकिब 48 लाख की है। अच्छा तो इसके अलावा इसी मॉडल में कोई गाड़ी? हाँ इधर आओ मैं तुमको दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट चेक करो यार साकिब, बहुत प्यारी है, स्पोर्ट कार टाइप मॉडिफाइड हुई हुई है। चेक करो यार, ये मेरे पास बहुत सेल हुई है यार साकिब, बहुत सेल हुई है। ये 5वीं गाड़ी है मेरे पास, 4 सेल कर चुका हूँ। अच्छा आप इधर आके ये चेक करो यार साकिब, साकिब और जिमी ये पसंद आई ना तो मैं कहता हूँ तुम्हारा यहाँ आना फजूल है। चेक करो गाड़ी, रेड कलर में है, ठीक है, फुल मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन इंजन इसका 100% अपग्रेड है। अर्शद अंकल इसमें ब्लैक कलर नहीं है? नहीं जिमी बेटा, ब्लैक कलर नहीं है इसमें, रेड बहुत प्यारा कलर है। जिमी तुम इसके टायर चेक करो ज़रा, कार्बन शेडो हैं इसके व्हील्स। हाँ इसके व्हील्स के सारे पैसे हैं, 4 लाख के व्हील्स हैं यार जिमी, 4 लाख के। इतने के 3 रक्शे आ जाते हैं यार जिमी, जितने के इसके व्हील्स हैं। हाँ अर्शद अंकल वो तो देख के पता चल रहे हैं, बहुत प्यारी गाड़ी है ये तो। और हाँ ये तो पता चल रहा है अपग्रेड है। हाँ इसका भी जो एग्जास्ट है ना वो भी अपग्रेडेड है, प्लस इसका जो ट्रांसमिशन और सस्पेंशन हैं वो नॉर्मल हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं। इसके अलावा ये फुल अपग्रेड है। फ्रंट बम्पर भी चेक कर लो, और इसकी जो तुम ग्रिल है वो भी चेक कर लो, बेहतरीन है। अर्शद अंकल चला के देखनी है मैंने। हाँ गाड़ी तुम अंदर से देख सकते हो, लेकिन चलाने नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा अंदर से ही देखनी है बस। रेड टाई स्मोक, पापा का फेवरेट कलर भी रेड है, मुझे पापा को बहुत पसंद आएंगी। वाओ ये गाड़ी ओके करा देता हूँ अर्शद अंकल से। अर्शद अंकल ये गाड़ी यस करा दें? हाँ बेटा यस करा दें, पैसे तो पूछ लो। हाँ पैसे पूछ लेते हैं। साकिब भाई इसका ज़रा चेक कर लें इंजन। ओ वेरी गुड जी, मैं इसको भी इंजन चेक करता हूँ। हाँ चेक कर लो, तसल्ली कर लो यार साकिब। ओ ये तो बिल्कुल फाइन और क्रिस्टल क्लियर है यार, उधर से होंडा का लोगो लगा भाई, और तो यार वाकई में चौकस है। क्यों साकिब भाई ओके हैं? जमी यार ओके है भाई ओके, यस कराओ गाड़ी।
हाँ तो साकी अब बताओ, पैसों की बात कर लें। हाँ अर्शद अंकल, आप बता दें कितने की देंगे। ये जिमी बेटा 50 लाख की है। 50 लाख की? तो जो पहले हमने ब्लैक ली थी वो आपने 52 की क्यों दी थी? अरे साकिब यार, इसको थोड़ा कुछ समझाओ, वो फुल अपग्रेड थी जिमी बेटा। उसके ट्रांसमिशन, सस्पेंशन सब 100% अपग्रेड थे, लेकिन इसकी सिर्फ इंजन अपग्रेड है। लेकिन इसके जो पैसे हैं ना, वो सारे टायरों के हैं। टायर इसके बहुत महंगे हैं जिमी। हैं? अच्छा तो साकिब भाई, पापा का ये फेवरेट कलर भी है, यही ले लेते हैं साकिब भाई। ओ जिमी ठीक है यही ले लो। अच्छा तो अर्शद अंकल, मैं आपको भी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, आप चेक कर लें। हाँ हाँ हाँ, भेज दो। चेक करें मैंने भेजे आए हैं कि नहीं। हाँ मैं अभी चेक करता हूँ। ओके 50 लाख पूरा है यार। ठीक है, अभी तुम ये गाड़ी लेके जा सकते हो। अब ये गाड़ी आप लोगों की हो गई है। मुबारक हो यार साकिब और चीमी, बहुत बहुत मुबारक हो। और माइकल को भी मेरी तरफ से मुबारक देना। इसके अलावा जो भी गाड़ी चाहिए हो ना यार, भाई हाजिर है। ठीक है, तुम्हें तो पता है ना साकिब। ओह अर्शद भाई, आपके पास ही हम आएंगे कोई भी गाड़ी ज़रूरत होगी तो। और हाँ अर्शद अंकल, आपके पास बाइक्स हैं? बाइक्स जेमी कौन सी चाहिए? सुजुकी हायाबुसा, BMW या होंडा, बताओ कौन सी चाहिए? नहीं, अभी तो सुजुकी हायाबुसा नहीं ले सकते, होंडा की बता देना, 70 या 125। हाँ है ना, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ साकिब, दिखा देता हूँ। यहाँ साकिब भाई लैंड क्रूजर देंगे तो रान टपक रही है मेरी। ये देखो साकिब और जिमी, 2 CD70 हैं और 125 है। 70 में 2 कलर हैं, ब्लैक और रेड, चेक कर लो यार तुम। हाँ देखता हूँ। हाँ ट्रैवल भाई के पास ये वाला कलर था, रेड वाला ठीक है, बाद में इसको अल्टर भी करा लूँगा। और 125, अर्शद अंकल 125 में ब्लैक कलर नहीं है? अरे नहीं जिमी यार, टैंकी तो तुम बाद में भी चेंज करा सकते हो, टैंकी का क्या है। हाँ वो तो हम बाद में भी चेंज करा सकते हैं। अच्छा तो अर्शद अंकल, ये मैं पापा से पूछ के बताऊँगा कौन सी बाइक लेनी है, पापा डिसाइड करेंगे 70 या 125। अभी फ़िलहाल गाड़ी ठीक है हमारे पास। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, बाद में जब भी आ जाओ यार मैं हाजिर हूँ, बस एक फ़ोन कॉल कर देना मैं आ जाऊँगा। वैसे पापा को बोल देना मैं गाड़ियों की डिलीवरी भी करता हूँ, गाड़ी तुम्हारे शोरूम के बाहर आके पहुँचाऊँगा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दो बस, लेकिन डिलीवरी के पैसे अलग होंगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है मैम, समझ गई। चलो साकिब भाई अभी चलते हैं। और चलो जी भी, और ठीक है अर्शद भाई, शुक्रिया। ओके ठीक है। मज़े होंगे यार, पापा इतने खुश हो जाएंगे। क्यों साकिब भाई, पापा कितने खुश हो जाएंगे गाड़ी देख के? अरे हाँ यार जिमी, माहौल भाई तो धमाल डालेंगे धमाल। बस वही ना यार साकिब भाई, पापा मेरे से नाराज थे ना, वो ऊपर से बात तो कर रहे थे लेकिन अंदर से मुझे पता है वो नाराज थे, उनके 52 लाख जो मैंने डुबा दिए, तो बस मैं उनको और ऐसे नहीं देख सकता था। हाँ यार जिमी, वैसे ये तुम्हारी बात भी ठीक है। बस आप जो गाड़ी देखेंगे ना पापा, तो उनका आप चेहरा देखना कितने खुश हो जाएंगे। हाँ वो तो लाजमी बात है ना। अच्छा तो साकिब भाई, मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करनी है, पापा का नाम लिखना है प्लेट में। अच्छा ओ कोई मसला नहीं है यार, वो अपने शोरूम में प्लेटें पड़ी हैं, उस पर नाम लिखवा के मैं लगा दूंगा तुम्हें। हाँ उनको सरप्राइज देने से पहले इसकी नंबर प्लेट चेंज करनी है, नहीं तो वो समझेंगे कि चोरी की गाड़ी आई है। अरे चोरी की गाड़ी कौन सी आ गई, हमारे पास पेपर हैं यार जिमी, अर्शद भाई से पेपर नहीं है गाड़ी के। हाँ वो बात तो है। अभी बस यार माइकल भाई को ये गाड़ी देनी है, उसके बाद चलते हैं यार, उधर से शिपमेंट आई है वो भी उठानी है यार, सुजुकी मेरान मंगवाई है उन्होंने, नया मॉडल है। अच्छा चले जाएंगे। अच्छा तो जिमी यार, मेरे पैसे कब दोगे यार तुम, जो मैंने गाड़ी पे लगाए थे और वो जो 15,000 तुम लेके गए थे वो भी, और वो 50 रुपये भी यार सिगरेट के, कब दोगे? साकिब भाई अभी ले लो यार।
10 लाख है मेरे पास, 10 लाख। आप अपना हिसाब क्लियर करो अभी के अभी। ओह मुझे दे दो यार जिमी, मेरे पैसे क्लियर करो प्लीज़। हाँ भेज दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको, टेंशन ना लो। ओह बस ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा तो साकिब भाई डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं शोरूम? पापा गाड़ी देख लेंगे, पापा को सरप्राइज देना है ना साकिब भाई। जो भी तुम शोरूम लेके चलो ना, गाड़ी उधर साइड पे खड़ी कर देंगे, अंदर ना लेके जाओ, बहुत उधर साइड पे ना खड़ी कर दो। हाँ फिर मैं मार्को भाई को अंदर से बुला के लाऊंगा ना, फिर उनको सरप्राइज दे देना, ठीक है? यहाँ बाइक खड़ी कर दूँ? नहीं नहीं यार अंदर लेके जाओ, उधर साइड पे खड़ी करो। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत उधर खड़ी कर दो। हाँ साकिब भाई आप ठीक है, लेकिन लेकिन पापा को बुलाने से पहले आप नंबर प्लेट लेके आओ, नंबर प्लेट लगा दो इसकी। और हाँ बोलो, गाड़ी पे कवर चढ़ा दो साकिब भाई। कवर? हाँ साकिब भाई गाड़ी पे कवर चढ़ा देते हैं। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कवर पापा खुद उठाएंगे। ओ ठीक है मैं समझ गया, ठहरो मैं अंदर से नंबर प्लेट ले आऊँ पहले। मकबूल। हाँ साकिब तू आ गया यार, तुमने जाना नहीं है उधर एयरपोर्ट? बस मकबूल थोड़ी देर में चलता हूँ, थोड़ी देर में बस। उधर से नंबर प्लेट ले लेता हूँ, किधर रखी हुई थी, किधर रखी हुई थी। ओ चलो मिल गई है, चलो अच्छा हो गया। अभी जाके गाड़ी पे लगा देता हूँ, फिर माका भाई को बुलाता हूँ। नंबर प्लेट ले आया हूँ मैं। हाँ लगा दो जल्दी से, लगा दो जल्दी से, लगा दो साकिब भाई इससे पहले पापा बाहर आ जाए। वो लगा रहा हूँ यार, ये लो लगा दियो यार, चेक करो। हाँ देखता हूँ। हाँ माइक, पापा का निकनेम माइक है ना। हाँ बहुत प्यारी लग रही है साकिब भाई, अभी तो पापा को यकीन आ जाएगा उन्हीं के लिए लाए हैं ये गाड़ी। वाह अभी इस पर कवर चढ़ा देते हैं साकिब भाई जल्दी से। हाँ कवर लगा देते हैं यार जिमी, अभी ठीक है जिमी। हाँ अभी ठीक लग रही है, अब पापा खुद ही इसका कवर उतारेंगे। ठहरे मैं पापा को बुला के लाता हूँ। बहुत जल्दी से बुला लो। पापा पापा। हाँ जिमी बोल। पापा वो आपको कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? पापा बाहर आओ ना। इधर ही दिखा देना जिमी, बाहर क्या है? पापा आओ ना यार, बाहर आओ ना प्लीज़ यार। जिमी ड्रामे ना कर, मैं काम कर रहा हूँ और तुम लोग अभी तक घेर नहीं हो यार। डिलीवरी आई हुई है कब से, वो वेट कर रहा है एयरपोर्ट पे। पापा जाते हैं ना, अभी जाते हैं, आप आओ तो सीना बाहर मेरे साथ प्लीज़ पापा। यार जिमी एक तो तू डिस्टर्ब बहुत करता है मुझे। पापा आपके लिए सरप्राइज है। हैं कौन सा सरप्राइज? आप मेरे साथ बाहर तो आओ ना यार पापा, आप देख के खुश हो जाओगे। हैं सच में? हाँ ना पापा आओ ज़रा मेरे साथ। हाँ हाँ चल आ जाओ पापा, आ जाओ पापा। यार किधर हो, आओ ना। हाँ आ रहा हूँ यार जिमी, वेट कर पापा। ये चेक करो, ये कौन सी गाड़ी पे तूने कवर लगाया हुआ है? पापा चेक तो करो ना, कवर उतारो जरा, उतार के देखो। अच्छा अच्छा अभी उतारता हूँ यार, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हो। अरे ये तो होंडा सिविक है ना। हाँ होंडा सिविक एक्स,
अबे ये किसकी उठा के ले आए हो यार तुम दोनों? पापा चेक करो पसंद आई कि नहीं। ये कहाँ से लेकर आए हो और ये किसके लिए है? पापा ये आपके लिए गाड़ी लाए हैं, ये आपकी गाड़ी है। ना कर यार जिमी। पापा अपना नाम देख लो नंबर प्लेट पे। अबे ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे। सच में यार ये मेरे लिए लाए हो तुम दोनों? हाँ पापा हम दोनों नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए। मैं जुम्मे यार मैं भी तो लाया था। हाँ हम दोनों लाए हैं। पापा चेक करो ना यार आपका फेवरेट कलर है, चला के भी देखो। हाँ चेक करता हूँ। वाह यार जिमी वाह यार जिमी किधर से ले आया ये गाड़ी इतनी महंगी? ऑसम है यार। क्यों पापा पसंद आई है ना? पसंद कैसे नहीं आएगी यार, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही जिमी तेरे पास पैसे किधर से आ गए? तुझे तो मैंने एक महीने का टाइम दिया था, तू एक दिन में ले आया। पापा आप मेरे से नाराज थे ना, मुझे मालूम था आप मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था ना, तो बस फिर वो अर्शद अंकल के पास मैं और साकिब भाई गए, फिर आपके लिए गाड़ी ले आए। हाँ वो तो ठीक है, पैसे किधर से आए हैं ये तो बता। साकिब पैसे किधर से आए यार इसके पास? कोई चोरी डाका तो नहीं डाल दिया? किसी मासूम को तो नहीं लूट के ले आया ये? और उन्होंने नहीं और मौका भाई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सब बता दूंगा। पापा आप यकीन करो मेरा यार। अच्छा ठीक है यार जिमी, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया है, चला यार गले लग मेरे। हाँ पापा। छा गया यार जिमी तू तो। ओ पापा मौका भाई मैं भी तो उसके साथ था, मुझे भी तो गले मिलो। हाँ हाँ साकिब तेरे से भी मिल लेते हैं। ओ मौका भाई यार दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने मेरा आज। इसका ज़रा मैं इंजन चेक करूं। हाँ पापा इंजन चेक कर लो इसका। वाह यार गाड़ी को देख के तो मेरा पूरा मूड बन गया। चलो इसका बोनट बंद करते हैं और इस गाड़ी को यार मैं अंदर खड़ा कर देता हूँ, बाहर वैसे भी बारिश वाला मौसम बना हुआ है। अरे इसका डोर ऑटोमेटिक है क्या? क्या बात है यार अभी चस आई है। अच्छा तो यार तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। और मौका भाई कोई बात नहीं। हाँ और हाँ साकिब यार अभी तुम दोनों चलो, डिलीवरी आई हुई है मेहरान की, उठा लो यार जाके वो वेट कर रहे हैं। ओ मौका भाई अभी हम चलते हैं।